200 कैसे बनती है ब्लेड फैक्ट्री में, कैसे बनाया जाता है उसे इतना शार्प कि छूते ही कट जाता है हाथ, आखिर क्यों होते हैं ब्लेड्स में एक जैसे होल्स, जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब। दोस्तों ये तो ब्लेड्स का इस्तेमाल ज्यादातर शेविंग के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी तेज धार के चलते और सस्ते होने की वजह से इसे और भी कई तरह से यूज किया जाता है। जैसे बच्चे अक्सर इसको कटर की जगह पेंसिल छीलने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर ये ब्लेड ना होती तो सोचिए मर्दों के लिए दाढ़ी बनाना भाई कितना मुश्किल होता, तो है ना जरूरी। तो चलिए फिर जानते हैं दोस्तों आखिर ब्लेड्स को किस तरह से फैक्ट्री में बनाया जाता है। मेकिंग स्टेनलेस स्टील शीट। हालांकि दोस्तों रेजर ब्लेड काफी हल्के और पतले होते हैं, लेकिन फिर भी ये काफी मजबूत और हार्ड होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि रेजर ब्लेड्स को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका इस्तेमाल किए जाने की पहली वजह है कि स्टेनलेस स्टील की वजह से रेजर ब्लेड में जंग नहीं लगती है, और दूसरी वजह है कि अगर रेजर ब्लेड को किसी दूसरे मेटल से बनाया जाएगा तो ब्लेड में वो शार्पनेस नहीं आ पाएगी जो कि स्टेनलेस स्टील की वजह से आती है। इसलिए दूसरे मेटल से बनाने के चलते ब्लेड से शेविंग करते वक्त कटने और छिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं कि रेजर ब्लेड बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, इसकी वजह भी इनमें इस्तेमाल की जाने वाली स्टेनलेस स्टील ही है, क्योंकि इनकी खास बात यह होती है कि इसे जितना चाहे उतना पतला किया जा सकता है। इसके अलावा इसे जैसे चाहे वैसे मोड़ा भी जा सकता है। ऐसे में अगर किसी दूसरे मेटल से ब्लेड को तैयार किया जाएगा तो मेटल को ज्यादा पतला करने पर वो टूट जाएगा। तो इसलिए दोस्तों स्टेनलेस स्टील की इन्हीं खासियतों की वजह से रेजर ब्लेड को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है। इसलिए जब रेजर ब्लेड बनाने की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले ब्लेड को बनाने के लिए एक पतली शीट तैयार की जाती है, मेकिंग होल्स। इसके बाद दोस्तों जब शीट तैयार हो जाती है तब इससे ब्लेड बनाने के लिए लंबी पट्टियां काट ली जाती है, फिर हर पट्टी को एक एक करके मशीन में डाला जाता है। इस ऑटोमेटिक मशीन में ब्लेड के डिजाइन के हिसाब से ही होल करने के लिए डिजाइन फिट होता है। जब पट्टी को मशीन में से गुजारा जाता है तो मशीन इस पट्टी में जगह जगह छेद करती हुई चली जाती है। ये होल्स भी एक एक्यूरेट दूरी पर होते हैं ताकि पट्टी में से ब्लेड को आगे के प्रोसेस में अलग अलग कर दिया जाए। तो इस तरह से दोस्तों इस पट्टी को सही शेप मिल जाता है, या कहिए कि पट्टी पर ब्लेड्स को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, वही स्ट्रक्चर जो कि ट्रेडिशनल रेजर मशीन में ब्लेड को फंसाने के लिए काम आता है। लेकिन जैसा कि अभी तक दोस्तों ये पट्टी तकरीबन पूरी तरह से रॉ फॉर्म में होती है, इसलिए ये काफी नर्म होती है। अभी तक दोस्तों ये उस तरह से हार्ड बिल्कुल भी नहीं होती है जितना हार्ड पूरी तरह इस्तेमाल किए जाने वाला ब्लेड होता है, मेकिंग ब्लेड शीट स्ट्रॉन्ग। तो जब पट्टी में दोस्तों होल्स वगैरह हो जाते हैं तो पट्टी को मजबूत बनाने के लिए इसे सबसे पहले एक भट्टी से गुजारा जाता है, तपती हुई एकदम लाल लाल भट्टी से, जिसके टेम्परेचर के बारे में जान के आप ये बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस भट्टी का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस के जिस टेम्परेचर पर दोस्तों हम पानी को उबालते हैं उससे भी 10 गुना ज्यादा। फिर से सोचिए इस टेम्परेचर पर पानी को अगर उबाला जाए तो क्या होगा, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल तो हम स्टेनलेस स्टील को दोस्तों 1000 डिग्री सेल्सियस की भट्टी से गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पट्टी को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये पट्टी भी तो कितनी पतली है, ये तो इतने टेम्परेचर पर पिघल जाएगी जैसे लोहा लिक्विड बन जाता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इतने टेम्परेचर पर होना तो यही चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस पट्टी को भट्टी से सिर्फ 30 सेकंड के लिए गुजारा जाता है और भट्टी से निकलते ही इसको पानी में डाल दिया जाता है, जिससे ये ठंडी हो जाती है और पिघलने से पहले ही हार्ड हो जाती है। इस तरह ये पहले के मुकाबले में दोस्तों काफी हार्ड हो चुकी होती है, मशीन विद -50 डिग्री टेम्परेचर। लेकिन दोस्तों अभी भी ये इतनी हार्ड नहीं होती है जितना हार्ड एक ब्लेड होता है, इसलिए इसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए इसे भट्टी और फिर पानी से गुजारने के बाद ही -50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखा जाता है। इतने कम टेम्परेचर पर पूरी पट्टी पर एक बर्फ की लेयर जम जाती है। वेल दोस्तों इस तरह से पट्टी हार्डनेस पाने के करीब आ जाती है, और इस समय -50 डिग्री सेल्सियस पर जब ये ठंडी हो चुकी है तब ये इतनी ठंडी होती है कि अगर इसे मोड़ा जाता है तो ये टूट भी जाती है। तो अब क्या किया जाएगा, इसके बाद इसे फिर से भट्टी से गुजारा जाता है, और इस बार जब ये भट्टी से गुजरती है तो इस बार ये बहुत हार्ड हो जाती है, कंपनी का नाम ब्लेड पर। अब दोस्तों जब ब्लेड हार्ड हो जाती है तो बारी आती है इस पर कंपनी के नाम को प्रिंट करने की। इस काम के लिए भी ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज किया जाता है, जिस तरह हम देखते हैं कि स्टैम्प वगैरह काम करते हैं, उसी तरह यह मशीन भी ब्लेड की पट्टी पर कंपनी के नाम को प्रिंट करने का काम करती है। फिर जैसे ही पट्टी पर नाम प्रिंट हो जाता है, इस पट्टी को तेज आग से गुजारा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों पट्टी पर इंक लगी होती है, और आग से पट्टी के गुजरने की वजह से वो सूख कर फौरन ही ब्लेड पर परमानेंटली चिपक जाती है, शार्पनिंग और स्मूथिंग ब्लेड। इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है ब्लेड को धार देने का, क्योंकि भाई बिना धार के ब्लेड ब्लेड है क्या। तो अभी तक जितनी मशीनों का यूज किया गया था वो अलग अलग मशीनें थी, और अब धार देने के लिए अलग मशीनों से इसे गुजारा जाता है।
ये मशीनें दोस्तों पूरी पट्टी के किनारों को बड़ी बारीकी से घिसती है, साथ ही साथ उस पर पानी भी डालती जाती है। इसलिए दोस्तों ब्लेड को जब धार दी जाती है तब इसे घिसा जाता है, जिससे कोई फ्रिक्शन पैदा ना हो, वरना पट्टी में ब्लेड टूटने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ सकती है। इसलिए पट्टी पर लगातार पानी को डाला जाता है। हम आपको बता दें, एक मशीन से ब्लेड को शार्प किया जाता है और दूसरी मशीन से ब्लेड्स को स्मूथ यानी कि चिकना बनाया जाता है, और इस तरह से ब्लेड धार वार पाकर पूरी तरह से भैया हो जाती है रेडी ब्लेड डिजाइन। दोस्तों ये अभी है पट्टी में ही, तो दोस्तों अब बस पट्टी को एक और मशीन से गुजारा जाता है, जो कि पट्टी को ब्लेड के साइज के हिसाब से काटती चली जाती है, और इस तरह पट्टी से ढेरों ब्लेड्स बनके तैयार होती चली जाती है। लास्ट स्टेज, इसके बाद बारी आती है दोस्तों आखिरी स्टेज की। जब ब्लेड तैयार हो जाती है तो इनकी टेस्टिंग भी की जाती है। टेस्टिंग में ब्लेड की शार्पनेस को चेक किया जाता है और ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई को भी चेक किया जाता है। जो ब्लेड टेस्ट में फेल हो जाती है उन्हें अलग कर दिया जाता है। इसके बाद पास हुए ब्लेड्स को एक खास लिक्विड में साफ कर दिया जाता है, फिर इन पर क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी जाती है, फिर दोस्तों इन्हें दोबारा से गर्म किया जाता है। इन आखिर दो स्टेप से गुजरने के बाद ब्लेड और भी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले इनको आग से गुजारा गया था, इसलिए इन्हें फिर से एक लिक्विड में डुबोया जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह स्मूथ हो जाते हैं। अब जब ये तैयार हो जाते हैं तब फिर से इन्हें आधे घंटे के लिए एक खास ऑयल में रखा जाता है। इस आखिरी स्टेप के बाद दोस्तों ये ब्लेड्स पैकिंग के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो आखिर में पैकिंग के लिए भी इन्हें भेज दिया जाता है, जहां एक ब्लेड की पैकिंग होती है, लेकिन ये भी पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन के जरिए ही होती है, और इसी तरह पैकिंग के बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। दोस्तों हम चाहे किसी भी कंपनी की ब्लेड क्यों ना खरीद लें, सब ब्लेड्स के बीच में देखिए खांचे या होल्स तो होते ही हैं, जो कि लगभग एक ही डिजाइन के होते हैं। इन होल्स के बारे में या खाली जगह के बारे में आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा, यार ये क्यों होता है। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं इसके पीछे का राज क्या है। देखिए इस राज को जानने के लिए हमें जाना होगा ब्लेड की हिस्ट्री में साल 1901 में। इसी साल में जिलेट कंपनी का मालिक किंग कैम जिलेट ने अपने पार्टनर विलियम निकोलसन के साथ ब्लेड का डिजाइन तैयार किया, और इसी साल में उन्होंने इस डिजाइन को पेटेंट भी करा लिया, और साल 1904 में ब्लेड्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन आखिर उन्हें ये ब्लेड बनाने का आइडिया आया कहां से, ये भी जान लीजिए, क्योंकि इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। देखिए 1890 के दौरान कैंप एक कंपनी में काम किया करते थे, जो कि भाई ढक्कन बनाती थी। यहीं पर उनकी नजर इस बात पर पड़ी कि लोग जो भी बोतल का यूज करते हैं तो उसके यूज के बाद ढक्कन का कोई यूज नहीं रहता है, जिसके चलते लोग ढक्कन को फेंक देते हैं। इन्हीं ढक्कनों को देखकर दोस्तों इन्हें ब्लेड बनाने का आइडिया भी आया। इसके अलावा उस दौर में शेविंग वगैरह के लिए उस्तरे वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उस्तरे से शेविंग करना आसान नहीं होता था, साथ ही साथ बहुत ही खतरनाक भी होता था और टाइम भी लगता था। इसलिए ढक्कन और उस्तरे की मुसीबत से उन्हें ब्लेड बनाने का आइडिया मिल चुका था, और इस तरह साल 1901 में उन्होंने ब्लेड का डिजाइन तैयार किया, और फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद 1904 में ब्लेड्स बनाने शुरू कर दिए। हम आपको बता दें, शुरू में तो सिर्फ जिलेटी एक ऐसी कंपनी थी जो ब्लेड्स और रेजर बनाया करती थी। उस समय के रेजर में ब्लेड को फंसाया जाता था और बोर्ड की मदद से टाइट किया जाता था। इस तरह जिलेट लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो गए। जिलेट को देखकर दोस्तों दूसरी कंपनीज ने भी ब्लेड्स बनाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें पुराने डिजाइन के हिसाब से ही ब्लेड्स बनाने पड़े, क्योंकि रेजर भी ब्लेड के पुराने डिजाइन के हिसाब से ही बनते थे। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? अगर नहीं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।